दोस्तों तत्काल टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो क्या आपका पैसा रिफंड आता है या नहीं आता है। सबसे पहला आप सुन लीजिए मेरे भाई, अगर आप अपना तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो पैसा आपका वापस आ जाता है, लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए। सबसे पहला टर्म्स ये है कि अगर आपने तत्काल टिकट को बुक कर रहा था और आपका तत्काल टिकट वेटिंग में चला गया और वो कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है, उस हालात में आप अपने तत्काल टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपका रिफंड पैसा आ जाएगा। 60 रुपया डिडक्ट करके आपका पैसा आ जाता है, 60 रुपया प्लस GST, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने तत्काल टिकट को बुक कर लिया है और आपका तत्काल टिकट कन्फर्म्ड है और उस हालात में अगर आप कैंसिल करेंगे तो 0 अमाउंट आएगा आपका, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आपका टिकट कन्फर्म टिकट है और उसको आपने कैंसिल किया तो पैसा आपका नहीं आएगा। अगर आपका टिकट वेटिंग में है, अगर आपने कैंसिल किया तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का टिकट जो था वो वेटिंग में है और उनको पता है कि हमने तो वेटिंग मेरा टिकट आ गया था और मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो जब भी आप लोग कैंसिल करें तो करंट स्टेटस आप लोग जरूर चेक कर लें। करंट स्टेटस का मतलब कि अभी आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये है कि हमारा तो 5 या 10 वेटिंग था और हम अपना टिकट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अगर कैंसिल कर रहे हैं और 5-10 वेटिंग हट करके कन्फर्म अगर आपका हो चुका होगा, अगर उस वक्त आपने कैंसिल किया तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो करंट स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा कैंसिल अगर करना है तो, नहीं तो आपके साथ में बस आपका पैसा चला जाएगा। अगर वेटिंग में है करंट स्टेटस, कैंसिल कर दीजिए, रिफंड बिल्कुल आएगा आपका। अगर कन्फर्म हो चुका है, कन्फर्म तत्काल टिकट का पैसा वापस नहीं आता है, कन्फर्म का, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टीवी।